हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आपका एस्ट्रोलॉजर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि में आगे का साल कैसा रहने वाला है, जॉब, बिजनेस, मैरिज, चाइल्ड, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉपर्टी, मैरिज, उन सभी के रिगार्डिंग मकर राशि 2020 के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आज हम जानेंगे। आप सब जानते हैं शनि महाराज मकर राशि में आने वाले हैं जनवरी 3rd वीक में, और उसका क्या प्रभाव मकर राशि पर रहेगा। नेगेटिव से ही अगेन हम शुरुआत करेंगे। मकर राशि, शनि महाराज मकर राशि में आने वाले हैं, मकर राशि के लिए थोड़ा टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि खुद के राशि में आ रहे हैं, बेनिफिट ज़रूर करेंगे, लेकिन शनि महाराज के एक बेसिक नेचर है, वो जिस राशि में भी जाते हैं उस राशि का थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ा देते हैं। और इस यहाँ पर मकर राशि में शनि महाराज वाइफ से रिलेटेड चीज़ों में, पब्लिक लाइफ, वाइफ, छोटे भाई बहन, इन सभी चीज़ों में थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ाएंगे। बॉसेस के रिगार्डिंग चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वाइफ की हेल्थ, वाइफ से ओपिनियन डिफरेंसेस, या वाइफ कहीं और जॉब कर रहे हो, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, दोनों के बीच में वियोग है। पब्लिक लाइफ में भी नेम फेम यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश में आपको बीच बीच में विघ्न आएंगे, मतलब आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। छोटे भाई बहन के साथ मतभेद ना हो, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने में आपको परेशानी ना आए। इसके अलावा बॉसेस का जो स्थान है, या पिता का जो स्थान है, या लीडरशिप का जो स्थान है, उसके रिलेटेड शनि महाराज नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग संभालिएगा। पिता के साथ मतभेद ना हो, ये ध्यान रखना है। यहाँ सासू जी के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना है। लीडरशिप करने में चैलेंजेस ना आए, इसका ध्यान रखना है। तो ये बेसिक बात हुई मकर राशि में क्या क्या नेगेटिव साइड है, इसका आपको ध्यान रखना है। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो इसके लिए आप अगर डेली बेस पे मेडिटेशन करते हो तो ये स्ट्रेस से आप मुक्ति पा सकते हो, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। हेल्थ, खुद की हेल्थ अगर मैं कहूँ तो बॉडी में थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पर हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से या दूसरे सब कारण से, तो वो ध्यान रखना है। हेल्थ खराब नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत वीकनेस फील करेंगे। अगर किसी को यहाँ कुंडली में मंगल वीक होगा तो चक्कर भी आ सकते हैं और स्ट्रेस भी ज़्यादा फील हो सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब अच्छी बात करेंगे, मकर राशि के अंदर क्या अच्छा होने वाला है। मकर राशि में गुरु महाराज धनु राशि में यानी 12वें स्थान पे जाएंगे, तो मकर राशि जो है, मकर राशि के अंदर अच्छे खासे जॉब के योग बनेंगे, रोग ऋण शत्रु के ऊपर विजय पाएंगे, यानी अगर कोई हेल्थ है तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई शत्रु है तो उसके ऊपर आप विजय पाएंगे, यानी उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, नए जॉब के लिए, तो नया जॉब आपको मिलेगा। करंट जॉब में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। हेल्थ वाइज सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। इसके अलावा अच्छे खासे प्रॉपर्टीज़ के भी योग बनेंगे, तो अगर पूरे एक साल 2020 एंड तक अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा नए एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन के लिए, अगर आपको कोई हायर एजुकेशन करना है यानी कॉलेज में, या MBA करना है, MCA करना है, PhD करना है, ये सब चीज़ें आप कर पाओगे, उसके लिए भी बढ़िया टाइम है। मदर से जुड़े हुई चीज़ों में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखिए, जो मैंने स्ट्रेस की बात कही कि शनि महाराज स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, ये सिर्फ फरवरी मार्च तक ही होगा। मार्च से लेकर जुलाई तक गुरु महाराज मकर राशि की तरफ जाने वाले हैं, तो वाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो, पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो, इन सभी चीज़ों को वो 4-5 महीने के लिए कंट्रोल करेंगे। तो पूरा 2020 शनि की वजह से खराब नहीं है। बीच में यहाँ पर मार्च से लेकर जुलाई के बीच का जो समय है, इस समय गुरु महाराज सपोर्ट करेंगे और नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर अच्छे खासे आपको जॉब के योग बना रहे हैं, नेगेटिविटी जो भी है शत्रु की तरफ से उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के योग है, एजुकेशन के योग है। तो मकर राशि के लिए ऑल ओवर अगर बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। पर्सनल लाइफ की मैं स्पेशली, अगर मैरिज हो गया हो तो वाइफ के रिलेटेड चीज़ों को संभालना है। हाँ, अगर आप मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने में देर लगेगी, वो सफलता आपको 100% एक साल के बाद है। बीच बीच में छोटे योग है लेकिन वो इतने काम के नहीं है। अगर आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग है तभी वो वर्क करेंगे, बाकी वो इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो शादी का योग एक साल के बाद ही इफेक्ट करेगा, उससे पहले यहाँ पर गुरु महाराज आपको बहुत सारे जॉब में और बाकी सब चीज़ों में बेनिफिट देंगे। दोस्तों ये मैंने मकर राशि का प्रेडिक्शन किया, आशा रखता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप पूछ सकते हो। जैसे सिंह राशि का जब मैंने प्रेडिक्शन किया था तो बहुत कन्फ्यूज़न था। सिंह राशि में ये कन्फ्यूजन था कि सर, आपने, पंडित जी आपने कहा कि बहुत अच्छा पैसे का योग है, फाइनेंशियली अच्छा रहेगा,
और उसके सामने मैंने कहा कि आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगा सबको। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक से वीडियो सुन लीजिएगा। सिंह राशि के अंदर अनएक्सपेक्टेड खर्चे का भी योग है, तो पैसे तो आप बहुत कमाओगे 2020 में, लेकिन खर्च हो जाएंगे, इससे सेविंग ना होने की वजह से आप अपना लोन रीपे नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम है। और लोन इसलिए रीपे नहीं कर पाओगे क्योंकि शनि महाराज इस वक्त लोन के स्थान पे रहेंगे, रोग ऋण यानी लोन और शत्रु के स्थान पे, तो इसकी वजह से वो रोग ऋण और शत्रु में परेशान करेंगे। तो यहाँ खर्च हो जाने की वजह से, पैसे खर्च हो जाने की वजह से आप सेविंग नहीं कर पाओगे, और सेविंग ना करने की वजह से आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे। ये सिंह राशि का प्रेडिक्शन था, तो उसमें जिसको कन्फ्यूजन है इसका मैंने आंसर दे दिया है। ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन अगर हो तो मुझे पूछ लीजिए कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपको पूरा उत्तर दे दूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।